सीख को भी दे दिया है, इसे अभी मिक्स करनी पड़ेगी। इससे मिर्च की चटनी और यहाँ पे बेगोल बीजी जो कहते हैं हम लोग उसका चटनी और यहाँ पे लौकी के साग। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। खतरनाक से बारिश दे रही है और हम लोग पूरा दो दो बार सो गए थे, तो सबसे पहले मम्मी ने उठी थी, अभी 9 बज चुका है तो दीदी और मैंने उठ दिया। तो यहाँ पे देखो हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। दीदी बनाएगी आलू और पम्पकिन और यहाँ पे मैंने ड्राई फिश भिगो के रखी है। और यहाँ पे मम्मी को देखिए, आज मम्मी नए स्टाइल पे, देखो मम्मी का ये जो आँख है थोड़ा डिस्टर्ब देती है, ये पुराना से है ना मम्मी। हाँ। वो मान भी मंजिता पैदा नहीं हुई थी, हुआ है। हाँ। देखो आज इसका चश्मा मिल गया तो अभी लगाई है, देखो पूरा एकदम सुंदर दिख रही है चश्मा लगा के। और यहाँ देखो बिंदी काट रही है, बिंदी की सब्जी खाएंगे। और यहाँ पे बीन्स देखो, ये लोकल बीन्स। और वहाँ पे बैंगन को दे दिया है, बैंगन और बीन्स एक ही साथ में बनाएंगे। और ये देखो हम लोग कहते हैं ये सावन मास दुर्माजी कहते हैं, तो मम्मी लोगों ने मिजोरम से लेके आए थे, इससे भी चटनी खाएंगे। यहाँ पे देखो बुआ जी भी आई है हम लोग का घर पे घूमने के लिए, और यहाँ पे भैया लोग और मामा देखो काम करने के लिए आए हैं। बारिश में ऐसे बारिश में कैसे काम करेगा, है ना मामा जी। अभी ऐसे बैठ के रहना पड़ेगा। तो हम सभी लोग खाना खाएंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने चावल को बिता दिया है और लम्बो तो अभी भी सो रहा है वो, तो हम लोग फटाफट से ये सब्जी यहाँ पे भी पकाएंगे और यहाँ पे भी पकाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये अलग ही खट्टे पत्ते हैं, तो हम लोग ये खट्टे पत्ते के साथ ये बिंदी को बॉईल करके बनाएंगे। और वहाँ पे बीज वाला मामा ने लेके आया था, ये देखो खट्टे पत्ते, ये भी सेम है, ये ओरिजिनल वाला है ना दीदी, ये डुप्लीकेट वाला। इसका जो सीड आता है उसको नहीं खा सकते, लेकिन इसका जो सीड आता है उसको खा सकते। अच्छा, ये बिल्कुल फ्लावर के पत्ते की तरह है देखो, ये एक्चुअल में ना पहले हम लोग फ्लावर की तरह लगाए करते हैं इसको। हाँ। लेकिन खा सकते हैं। अच्छा, खट्टा खट्टा जंगली है ना ये? नहीं, ये जंगली नहीं है, तो होगा थोड़ा सा देंगे ये बिंदी बॉयल में। और देखो लम्बो भी उठ गया अभी खटप्पा भैया से बात कर रहे हैं, देखो इसे देखो भूख लग रहा था बेचारा, यहाँ पे ब्रेड गरम करके खा रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मुझे भी खिला दो, मुझे भी तो भूख लग रही है। बिना पत्तल के साथ ना। हाँ। और यहाँ पे मम्मी अभी अभी ये मछली को दिया है, इसे बॉईल करेंगे। और अंदर पे मैं ये इसको भी वॉश कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिंदी को दे दिया, लास्ट में ये खट्टे पत्ते को दे देंगे। और दीदी ये बाजी बनाएगी। मैं सुबह उठते ही एक गिलास पानी पी लेती हूँ, और कल रात को क्या हो गया पता नहीं, इधर उधर जाके ये कल जो आप लोगों ने देखा है ना ये ब्लॉग को, पूरा लेट हो गया था, 9 बज गया था, 9:40 में इतना देर लगा है पूरा इधर उधर। और मेरा मोबाइल भी रास्ते पे गिर गया था, पूरा टेम्पर गया, एकदम फट गया। यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, तो अभी खाएंगे। और भैया लोग मामा लोग चले गए हैं, तो बस बुआ जी मम्मी लम्मो और मैं और दीदी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। आज का सब्जी ये देखिए, ये देखो चटनी और वहाँ पे बाजी, तो अभी हम सभी लोग खाएंगे। इसको तो सुबह सुबह भूख लग रहा था, अभी 9:30 से भी ज्यादा हो गया था। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है ना दोस्तों, इतना जोर से बारिश दे रही है अभी, देखो यहाँ पे देखो। और बुज्जे क्या ढूंढ रहा है, बुज्जे खाना दे दिया, खा लिया बुज्जे, आ जाओ दिखो मत, आ जाओ। देखो मौसम का हालत, ऐसे मौसम में क्या ब्लॉग बनाएंगे, बहुत ही मुश्किल होती है क्या ब्लॉग बनाए। और दीदी को देखो देखो दूर दूर क्या रहे, यहाँ पे ना कभी कभी बहुत फिसल जाते हैं हम लोग। फाइनली थोड़ा सा अभी बारिश रुक गई है दोस्तों, अभी दीदी और मैं जा रहे हैं वहाँ पे मंदिरों का घर के पास में, तो वहाँ से जो है हम लोग वो परमानेंट बेम्बू लेके आएंगे, बेम्बू सूट। तो और उस दिन जो खाए थे ना हम लोग बेगोल बीजी मीठे बेगोल, उसे भी लेके आएंगे। आज अलग ही रेसिपी होगा, तो उसको चटनी बनाएंगे, दीदी बनाएगी, सिखा देगी मुझे। हाँ, तो अभी जाते हैं घर को, अच्छे से लॉक कर दिया है मैंने, क्योंकि मम्मी भी नहीं है,
जब मैं सो गई थी पता नहीं कहाँ कहाँ गए, लम्बू भी पता नहीं कहाँ गया मुझे भी पता नहीं है, और बुज्जी आगे आगे देखो हम लोग का ये घर का रास्ता ऐसा होता है कि देखो ना यहाँ पे पूरा पानी समुंदर। देखो गोवा पे जाने की जरूरत नहीं है अभी देखो हम लोग का ये एरिया जो है अभी बहुत ही सेफ्टी हो गया इसे देने के बाद, ये एकदम तगड़ा है ये देखो सच में तगड़ा है। हाँ लात मारो तो सबसे पहले इस वाले सीट के पास में आए हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग सीट तोड़ के लेके जाएंगे मिदे बेगोल बिजी। तो यहाँ पे दीदी भी रेडी हो रही है और मैंने एक पोलोथिंग भी लाई है, और देखो इतना जंगल है और यहाँ पे भगवान लीच पकड़ेगा ऐसे बारिश देने से ना लीच पकड़ देती है। और मैंने लेमू का दाव भी लेके आया है, तो अभी खुल जाओ सिम सिम खुल जाओ। खुल गया दीदी, इसे काटना होगा। तो चाटा को यहाँ पे रख देती हूँ, अभी बारिश रुक गई है तो सबसे पहले मैं इससे काटूंगी पेड़ को। ये पेड़ जितने काटोगे उतना ही उगेगा, वो इतना अच्छा होता है ना ये पेड़। और देखो सीध देखो यहाँ पे दीदी को मिल रही है छोटे छोटे वाले या बड़े वाले कोई सा भी तोड़ो। दीदी कह रही है कि ज्यादा नहीं चाहिए, बस यहाँ पे जो मिल रही है लताई पे तो हो जाएगी। देखो हो जाएगी, हम लोग आज अलग ही रेसिपी बनाएंगे। हो गया ले ओ बीज वाला ले लेंगे हाँ। और यहाँ देखिए अभी जेरी का बारी, ये तोड़ रही है। अब सभी लोग बोल रहे हैं कि दीदी को हम लोग यूट्यूब चैनल खोल दे खोले खोल देंगे, अभी बस टाइम का मैनेज नहीं हो रहा है। लम्बू आजकल जो है बहुत ही बिजी है, और एडिटिंग वगैरह तो आती है, बस मुझे थंबनेल बनानी नहीं आती और दीदी को भी थंबनेल बनानी नहीं आई। नए नए हैं हम दोनों, खोल देंगे। यहाँ देखिए वो वाला तोड़ना, देखो बहुत काटे है ये। हाँ उसके बाद हो जाएगा। पहुंच चुके हैं मानवी लोग का घर पे, तो यहाँ देखिए ज्यादा बारिश देने से ऐसे ही होती है हम लोग का बेम्बू का घर। और यहाँ पे सीढ़ी देखो दोस्तों, बाप रे बहुत ही डेंजर है। खुद हम लोग रहते हैं और ये सीढ़ी मुझे डर लग रही है। देखो पूरा एकदम पतला है और बारिश में बहुत भीग गई थी। मानवी देखो अभी उठी है, बारिश में सभी लोग सोते हैं। सरला रानी क्या प्रॉब्लम? तुम्हारा नाम की? माय नेम इज सरला रानी। नो प्रॉब्लम, माय नेम इज सरला रानी। मुझे भूख लग गया इसका। बाप रे जूसी जूसी हो गया। हो गया कितना लेके जाए? हो जाएगा चांस पे डांस। बाप पूरा स्मेल आ रही है यहाँ से। स्मेल नहीं खुशबू। मैं ट्राई करूंगी, पहले मैं ये सपने खाती थी, अभी ट्राई करूंगी, ट्राई करना पड़ेगा। और जब हम लोग यही घर पे एक ही साथ में थे, हम लोग का रूम दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस साइड पे है, इस साइड पे रहते थे हम लोग, यहाँ पे इस साइड पे मम्मी और हम लोग यहाँ पे सोते थे। देखो अभी ये पूरा खाली हो गया ये रूम, सिर्फ मानवी और मानवी का पापा और उसकी मम्मी रहते हैं अभी यही घर पे। मैंने आग को भी जला दिया है, तो अभी ये सीट को मैं तोड़ लेती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई को भी बिता दिया है और यहाँ पे गर्म पानी दे दिया। ये काय? इसको बॉयल करना है। अच्छा ये सीट को हाँ। देखो मैं ये छोटे वाले तोड़ रही हूँ और ये बड़े वाले दीदी तोड़ रही है। यहाँ पे कम है ये? हाँ इसको कम ही डालना है क्योंकि इसका ना टेस्ट थोड़ा कड़वा है इसीलिए। अच्छा ये सीट को तो इसे बॉयल होने देते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक दिया है, आराम से बॉयल होने देंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका चटनी बनाएंगे। अच्छे तरीके से उबल रहे हैं, इसे एकदम नरम करके रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसे नरम होने के बाद इसे पीछने में थोड़ा आसानी होगी। देखो फिर से हम लोग खाएंगे लौकी के साग। ये देखो दीदी छील रही है, कोई लोग जो है ये लौकी के साग को छीलते नहीं, तो हम लोग ऐसे छील के खाते हैं। जो हम लोग सीट बॉयल कर रहे थे ना दोस्तों, एक भूल गए हैं, तो यहाँ से मिर्चा भी बॉयल करना पड़ेगा। अभी यहाँ से एकदम फ्रेश फ्रेश मिर्चा तोड़ रही हूँ, ये देखो ग्रीन ग्रीन। ये देखो सीट जो है बॉयल हो गया और पानी बिल्कुल सूख गया, तो फिर से मुझे ये मिर्च को बॉयल करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मिर्च को भी दे दिया है, तो इसे बॉयल होने देते हैं। इसमें नमक देना पड़ेगा? नहीं
वैसे ना ये साथ में भी बॉयल कर सकते थे लेकिन हम भूल गया मिर्ची और ये तो बॉयल हो गया। ये परमेंटा बेम्बू शूट को मैं यहाँ डिब्बे पे रखूंगी और वहाँ पे दीदी पूरा टेस्ट कर रही है क्या। यहाँ तो साग को छील दिया है तो बस इससे और इससे बनाएंगे मिक्स करके। बस एक चम्मच ही रख दिया है क्योंकि इसके साथ जो है ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा देने से हो जाती है। अभी इसे मिर्च को होने देते हैं फिर एक ही साथ में बनाएंगे हम लोग। फिर से दीदी यहाँ लहसुन छिल रही है, यहाँ पे दे दिया है ओखली पे। ये हम लोग का ओखली ट्रेडिशनल ओखली ऐसे कोते हैं तो ज्यादा नहीं चाहिए होगा। बस ये लहसुन देने से हो जाती है इसका चटनी पे, लहसुन और थोड़ा सा ड्राई फिश, उसके बाद वो बॉयल वाला चिल्ली। अभी इसे कोतना होगा, देखो हो जाएगा। और इसे जो है हम लोग वो साग के साथ खाएंगे चटनी बना के। और यहाँ पे एक तो ड्राई पीस भी निकल दिया है और यहाँ पे बेम्बू शूट, तो अभी देख लेती हूँ कैसे बनाते हैं। इसको करना क्या है, बस कूटना है। अभी मैंने मिर्च के साथ ड्राई फिश को भी दे दिया है, बस इसे मिक्स करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये जो बेगुल बीजी है इसे भी यहाँ पे खोदना पड़ेगा। हाँ। यहाँ पे सीप को भी दे दिया है, इसे अभी मिक्स करनी पड़ेगी इससे मिर्च के चटनी में। फिर यहाँ दे देंगे हम लोग ये परमेंटा बेम्बू शूट। तो अब जाएगा बेम्बू शूट, ये देखो ये है मेन रेसिपी। ये देने के बाद में इसका असली टेस्ट आता है। अच्छा खुशबू आ रही है। इसे अभी इसे मिक्स करनी पड़ेगी, इतना ज्यादा हो गया। हाँ, इसलिए तो मैंने जब वहां में था ना तब हाँ, बोला था कि वो बेगुल बीजी को कम तोड़ो। अच्छा। बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग का चटनी रेडी हो चुका है, तो अभी थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ यहाँ से। हाँ यहाँ से अभी कैसे टेस्ट करो, और थोड़ा ले लो। नहीं होगा, ये देखो बहुत टेस्टी हुआ है। हाँ, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ मैं, देखो बहुत ही टेस्टी हुआ है। साग को वॉश भी कर लिया है तो यहाँ पे पानी दे दिया है और पानी के साथ प्याज थोड़ा सा नमक, इसे उबलने देते हैं। लास्ट में हम ये साग को दे देंगे। साग को देने की बारी, ये देखो डिनर रेडी हो चुका है दोस्तों। और दीदी ने जो है लेमो के लिए और मम्मी के लिए रख दिया है। तो ये देखो मिर्च की चटनी और यहाँ पे बेगुल बीजी जो कहते हैं हम लोग उसका चटनी और यहाँ पे लौकी के साग। देखो अभी हम लोग डिनर करेंगे यहाँ हम दोनों बहने। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे, ये देखिए लेमो लोग नहीं है, बस दीदी और मैं यहाँ पे डिनर कर रहे है। एकदम गर्मा गर्म ऐसे खाने में बहुत ही आराम है, मजा आती है गर्म गर्म। तो सबसे पहले ये चटनी को ट्राई करूंगी, मस्त हुआ एकदम। तो दीदी और मैंने डिनर भी कर लिया है दोस्तों। आज का सब्जी इतना टेस्टी था क्या ही बताओ, बहुत ही मजे से खाया है दीदी और मैंने। और लम्बू और मम्मी अभी तक नहीं आए, पता नहीं वो लोग कब आएंगे। तो दीदी अभी काम कर रही है, वहाँ पे लकड़ी उतार रही है और मैं अभी बर्तनों को वॉश करूँगी और ये वीडियो को मैं अभी एडिट करके अपलोडिंग पे रखूंगी। और कल से पता नहीं क्या हो रही है, बहुत ही नेट स्लो हो गया, एयरटेल का नेटवर्किंग नहीं मिल रहा है घर पे। तो शायद हम लोगों को ये वीडियो अपलोड करते टाइम पे दूसरी जगह पे जाना होगा और ऐसे बारिश में निकलने में बहुत ही मुश्किल है, ये स्कूटी से जाने से भी बहुत ही मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय एंड गुड नाइट सभी को।